बाबा आप चिंता मत करो। हाँ ये भी हो गया लगभग। नमस्ते काकी। आई कहाँ है रे? आई रसोई में। हाँ, आजा। और बाबा अच्छा एक शेयर लेके ना बाबा। हाँ देता हूँ। मुझे लगता है इतनी पूरियाँ ठीक है। हो गई है लगभग सारा काम। अरे सुलोचना कि मेरी बहन है प्रवीणा। अच्छा अच्छा अपने बेटी के एडमिशन के सिलसिले में यहाँ आई। अच्छा हुआ लेकर आई। इन्हें बिठाओ ना बाहर। हाँ चल आ जा। हाँ बता। हो आ जा प्रवीणा तू बस में थे। ठीक। अरे विनोद इसे तो ठीक से करो। और जी विनोद मैंने तुम दोनों का खाना बना के रखा है और तुम्हारे अंकल घर पे राह देख रहे हैं। जैसे यहाँ का काम खत्म होता है तुम वहाँ चले जाओ। अच्छा बाबा जल्दी इसको इधर। दादा अरे बाबा कैसे ठीक हो? तो कैसे बहुत सुंदर सजा है। आई कोट है? आई उसी में। सुलोचना अरे अरे वर्षा कैसी है तू? मीठा आई मैं अच्छी हूँ। तू कैसी है? मैं अच्छी हूँ। और तुम अकेली आ गई? भावना तो कहाँ रहती? वो काम में बिजी थी इसलिए मैं आगे चली आई। वो बाद में आ जाएंगी। ताई मुझे पता ना ये सारा डेकोरेशन। भावना थी आइए नमस्कार। आइए ना आइए। नमस्ते ताई। हम अभी आप ही के बारे में बात कर रहे थे। मेरे बारे में? हाँ इससे मैं यही पूछ रही थी कि आप कहाँ रह गई। ये तो जल्दी तैयार हो गई थी तो जल्दी निकल आई। आइए ना आइए। कैसी हो अर्चना? अच्छी हो काकी। और तुम कैसी हो वैशाली? अच्छी हो काकी। एग्जाम्स कैसे हुए? अच्छे गए काकी। अभी नेक्स्ट मंथ रिजल्ट आने वाला है। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। आप बैठिए मैं अभी आऊंगी। अरे ताई मैं भी चलती हूँ आपके साथ। मैं इनके साथ कहाँ बैठूंगी? आपकी थोड़ी हेल्प करूंगी। अच्छा ठीक है आइए। रसिका ताई आई अच्छा लगा। वो तुम्हें देख ही रही हूँ। मेरे आने से सबके चेहरे खिल गए हैं। कैसी हो बेटा? अच्छी काकी। मंजू वो अंदर कमरे में तैयार हो रही है आइए ना। आओ बेटा। हाँ बंधु कैसी है तू? मैं भी अच्छी हूँ लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि क्या कहूँ आपसे। आपसे मिलने की खुशी जाहिर करूँ या फिर आपके यहाँ होने का दुख। कुछ कहने की जरूरत नहीं है। हम बस प्यार से मिले हैं ना उतना ही काफी। कुछ बाकी तो नहीं बचा ना? नहीं बाबा अब तो ऑलमोस्ट सब कुछ हो गया है। अरे आप लोग अभी तक यहीं पे रुके हो? तो जाइए अभी सारी औरतें आ रही है। हाँ हाँ भाई जा रहे हैं। देखा विनोद घर में जब भी औरतों के फंक्शन होते हैं ना तो घर के मर्दों के साथ ऐसे डील। अरे कैसे काकी? आइए चल बेटा। अगर मैं आपसे कहूं कि पूरे फंक्शन में मेरी अर्चू आपके सामने नहीं आएगी तब तो आप आ जाएंगे? हाँ।
बच्चों, यहाँ आने से पहले सविता तई ने शर्त रखी थी कि पूरे फंक्शन में तू उनके सामने नहीं जाएगी। नमस्कार। नमस्ते। अच्छा हुआ आप आ गए, आइए ना। आइए, वर्षु ये सब क्या चल रहा है, क्या हुआ था ये? देख वर्षु, मैं तुझसे जो कह रही हूँ ना, तो अच्छी तरह जानती है मैं क्या कहना चाहती हूँ। वर्षु, अब तो मामला सुलझ चुका है, अश्विन की सारी सच्चाई पता चल चुकी है, तो तेरी और भावना काकी में दूरियाँ क्यों है? क्योंकि मैं ही उन्हें माफ नहीं कर पाई हूँ, नहीं भुला सकती जिस तरह से उन्होंने मेरे चरित्र पर। वर्षु, तू क्या कह रही है? एक लड़की बहुत विश्वास के साथ अपने आई बाबा का घर छोड़कर किसी अनजाने घर में चली जाती, और अगर उस घर में उसके साथ इस तरह का बर्ताव होगा तो। लेकिन वर्षु, भावना काकी ने तुझसे माफी मांग ली है ना? उनके माफी मांगने से क्या फर्क पड़ता है, सब कुछ खत्म तो नहीं हो जाता ना? बीते हुए दिन वापस आ सकते हैं, मेरी यादें मिट सकती है। नहीं पर, तो फिर मैं कैसे सब कुछ भुला कर? लेकिन ये सब कब खत्म होगा मैं नहीं जानती, लेकिन मुझे लगता है शायद कभी नहीं। भाई बहुत हर्ट हो चुकी हूँ मैं, बहुत कुछ सहा है मैंने, और इस सब से निकलना मुश्किल है मेरे लिए। भाई तू ही सोचना, अगर सतीश मेरे साथ नहीं खड़ा होता तो शायद आज मैं भी तेरी ही तरह। वर्षु, तू पागल हो गई क्या? बप्पा ना करे जो मेरे साथ बीत रहा है ना, कभी तेरे साथ। देख वर्षु, मैंने तेरी पूरी बात सुनी, लेकिन अब तो मेरी बात, भावना काकी ने जो किया वो बिल्कुल गलत किया, लेकिन जो तू कर रही है ना वो उससे भी गलत है। तुझे भावना काकी ने माफी मांगी ना, तो तुझे उन्हें माफ कर देना चाहिए वर्षु। वो खुद रिश्तों के लिए अपना एक कदम बढ़ा रही है, तो अब ये तेरा फर्ज बनता है कि तू भी अपना एक कदम बढ़ाए, ये सब भूल के आगे। I'm sorry ताई, मैं तेरे और जीजू की तरह महान नहीं हूँ और ना ही बनना चाहती हूँ। सतीश मेरी बात समझता है। वर्षु, सतीश जी की अच्छाई की एक मर्यादा है, तू कब तक उनकी अच्छाई का इस तरह फायदा उठाएगी बता मुझे? ताई तू भूल गई है क्या, आई ने हमारे आई बाबा, तेरा और यहाँ तक कि जीजू का भी अपमान किया है, लेकिन अगर हम ये सब भूल चुके हैं तो तू क्यों इसे पकड़ कर बैठी है? वर्षु, देख मैं तुझे आज भी यही बोल, भावना काकी को माफ कर दे। अगर हम किसी से कोई माफी मांगते हैं तो हम छोटे नहीं हो जाते, उसी तरह अगर तू किसी को माफ कर देगी ना तो तू छोटी नहीं हो जाएगी। वर्षु, आज तक सतीश जी तेरे साथ इसलिए थे क्योंकि उन्हें पता था तू सही थी, लेकिन ये सब करके तू अपने आप को गलत साबित मत कर, क्योंकि अगर ऐसा हुआ ना तो कल को सतीश जी तेरे साथ नहीं भावना काकी के साथ होंगे। Oh,
संजय, मैंने तुझसे कहा था ना तेरे लिए एक मैं खास गिफ्ट लेके आऊंगी। लाई हूं मैं, ये देख, ये है तेरा खास गिफ्ट, विनोद और तेरे घर का एग्रीमेंट। मैं चाहती हूँ कि तेरा बच्चा नए घर में अच्छे माहौल में पैदा हो। आई, आपने तोहफा बाद में भी तो दे सकती थी ना। बंदिता, आई मैं जानती हूँ कि आपका आपकी बेटी के लिए नए घर में जाना बड़ी खुशी की बात है, मगर एक माँ के लिए अपने बेटे से अलग होना बड़े ही दुख की बात है। और मैं जानती हूँ कि ये बात आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं। फिर क्यों आप इस खुशी के मौके पर उनके जख्मों को कुरेद रही हैं? बस वंदिता, मुझे अकल मत सिखा, समझी? लेकिन आई मैं तो बस, अरे अपने घर में तो 2400 घंटों मुंह लटकाए हुए बैठी रहती है, और यहाँ अपने लोगों में क्या आ गई? तेरी तो मुंह में जुबान आ गई, कहां से लाई तूने इतनी हिम्मत? हाँ, बता। एक बात कान खुलकर सुन, अगर तू अपने आई के बल पर इतनी उछल रही है ना तो जरा संभाल ले, क्योंकि तेरी आई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ने वाली है। रसिका दे, आप प्लीज आप बीच में मत बोलिएगा, ये हमारा आपस का मामला है और मैं अपने बहू से बात कर रही हूँ। किसी ने सच ही कहा है, कुत्ते को घी हजम नहीं होता, इसलिए उसे घी नहीं खिलाना चाहिए। लेकिन मैंने बड़ी गलती की, तुझे अपने घर की बहू बनाकर, और उसकी सजा आज मैं भुगत रही हूँ। बकवास लड़की के साथ मैंने रसिका ताई, मेरी बेटी को अनाथ शनाथ बकने का तुझे कोई हक नहीं है। मेरी बेटी बकवास है तो तेरा बेटा महा बकवास है। सभी का यही बात शादी की, तो तूने मेरे पे एहसान नहीं किया है। अपने बेटे की काली करतूत छुपाने के लिए तूने शादी की है। मेरी बेटी गलत है, 10 बार चिल्लाओ मैं कुछ नहीं बोलूंगी, लेकिन बिना गलती से तूने उसका अपमान किया, ध्यान में रख। क्या कर लेगी आप, क्या कर लेगी, क्या कर लेगी? अगर तुझे जिंजा उठती जिंजा। हाँ, तू एक हलकट है, मैं 10 हलकट है। पहले तुझे भाषा पहनी अगर तुला काय वाटल, क्या समझी तू? मेरी जुबान बुरी है लेकिन नियत बुरी नहीं है। अरे तुम अमीर, पैसों के अमीर है लेकिन नियत में थर्ड ग्रेड, इंसानियत नाम की चीज नहीं है। सुलोचना ताई के घर आके उनका घर टूटने की खुशियां मना रही है? अरे इन घटिया लोगों के साथ मेरी बेटी को देख के मैं पछता रही हूँ। अच्छा, तो आपके सारे घर के लोग तो गुणों का भंडार है। आपका वो मैकेनिक बेटा, आपका शराबी पति, अब मैं उनके गुण गाऊं? लेकिन तुम जैसे कमीने नहीं है, समझी ना? तू बहुत हो गया। आप चुप रही है,
आज मैं इस औरत को छोड़ने वाली नहीं। अच्छा हाँ, क्या कर लेंगी आप, क्या कर लेंगी, क्या कर लेंगी? मानव वो लेकर गए। मुझे मालूम था ऐसा कुछ होने वाला है। आइए अब अपने आप को संभालिए। तुम्हारी बातों का तुम्हारा वहाँ जाने का गलत मतलब निकाला जाएगा। मैं सब जानती हूँ, लेकिन बाबा अस्पताल में मैं यहाँ कैसे आई? क्या हुआ बाबा? बाबा मानव जीजू के पापा को हॉस्पिटल में एडमिट किया है। क्या? अरे तू वहाँ जाएगी तो श्रावणी को वो पसंद नहीं आएगा, और फिर मानव और श्रावणी के रिश्ते पर असर होगा, श्रावणी के बच्चे पर असर होगा। नहीं अर्जुन, मैं तुझसे वादा करती हूँ, मैं वैसे वहाँ जाऊंगी, बाबा को देखूंगी और मैं आ जाऊंगी। मैं मानव से बात नहीं कर, मुझे जाने दो। अर्जुन आई प्लीज, मुझे जाने दे। अच्छा ठीक है, लेकिन तू अकेली नहीं जाएगी। विनोद तू इसे साथ लेकर जा। लेकिन तुम दोनों वापस जल्दी चले आना।